आज हम क्रिएट करने वाले हैं टेक्स्ट एनिमेशन इंट्रो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। बहुत ही अमेजिंग प्रोसीजर है, इजी भी है, बट इसको क्रिएट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। उसमें से एक वे में आज क्रिएट के थ्रू हम क्रिएट करने वाले हैं, साथ में मल्टीपल भी डिस्कस भी करेंगे गाइस। और ये मल्टीटास्किंग ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम एक मोशन ग्राफिक ट्रांजिशन भी यूज करने वाले हैं, प्लस आप उसी ट्रांजिशन को अपने वीडियो ट्रांजिशन सोशल मीडिया वीडियोस के लिए भी बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले मेरा कंपोजिशन यहाँ पे रेडी है 920x1080 का, 25 फ्रेम पर सेकंड मेरा ड्यूरेशन, मतलब मैंने फ्रेम रेट रखा हुआ है, 12 सेकंड अभी के लिए ड्यूरेशन मेरा चूज किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो मैं फॉन्ट यूज करने वाला हूँ मेरे टेक्स्ट एनिमेशन या टाइटल एनिमेशन इंट्रो के लिए वो है सायरा फॉन्ट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर देता हूँ, जो मेरा नेम है वो है मोशन ग्राफिक्स, मेरा एक फॉन्ट मेरा ये हो जाएगा। इसका शेड मैं अभी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ व्हाइट के अंदर और मैं इसको ओके करता हूँ। ओके, अब सबसे पहले इसको अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। तो ये मेरा फॉन्ट यहाँ पे अलाइन हो चुका है। दूसरी चीज मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देख लो इसका एंकर पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए मुझे एग्जैक्टली अभी के लिए ये चाहिए, कहाँ पे प्रॉपर जगह पे मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पे पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट कर लो और एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है, मैं अभी के लिए इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, इसको हाइड करते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, तो हमारे दो मेन टाइटल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको पोजीशन करना है। तो जो मेरा आफ्टर इफेक्ट वाला फॉन्ट है उसका भी मेरा एंकर पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है, नीचे वाले को हाइड कर लेते हैं पहले। यस ओके, पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करते हैं या फिर आप कह लो एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करते हैं और इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे सेंटर में हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। एक बार ध्यान से देख लो जितना हो सके उतना बेटर तरीके से प्रॉपरली इसको सेट करना। अब यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सेम तरीके से नीचे वाला भी आप सिलेक्ट कर लो, उसका भी ऑलरेडी मेरा सेटल्ड है तो मुझे वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे दोनों टैक्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस लेके आ रहा है, बट मोशन ग्राफिक्स वाले टैक्स के अंदर जो उसका एंकर पॉइंट है मुझे यहाँ ऊपर की तरफ सेट करना है। तो स्नैपिंग आपका हमेशा ध्यान में रखिए ऑन रहे ताकि आपका काम प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब क्या करते हैं भाई, इन दोनों का पोजिशन लेयर को सिलेक्ट करते हैं, पोजिशन प्रॉपर्टी ऑन करते हैं। अब यहाँ पे सेट क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला है उसको मैं यहाँ पे देता हूँ पोजिशन y एक्सिस में 540। सेम चीज जो मेरा मोशन ग्राफिक्स वाला टेक्स्ट है उसका भी पोजीशन y 540 यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। रीजन वो हमारा सेंटर है और आफ्टर इफेक्ट एंकर पॉइंट के बेस के ऊपर सेंटर अलाइन कर देता है। ठीक है, तो मोशन ग्राफिक्स का सेंटर क्या था, उसके टॉप के ऊपर था और हमारे आफ्टर इफेक्ट का सेंटर उसके बॉटम के ऊपर था। तो इजी हो जाता है हमारे लिए इसको मैनेज करना। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंजेस करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ 540, तो ये थोड़ा अप की तरफ चला जाएगा। सेम चीज नीचे भी करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा 550 हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। तो दोनों टैक्स के बीच में एक एग्जैक्ट सेंटर में प्रॉपरली तरीके से हमारे कंपोजिशन के अंदर सेट करना हमारे लिए प्रिसाइजली आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा काम खत्म हो चुका है। अब क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। हमारे दोनों टेक्स्ट लेयर के हर एक अल्फाबेट बेस पे हमें हमारे टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट को चूज कर रहा हूँ, चले आते हैं हम लोग 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एनिमेट में जाके यहाँ पे मैं पोजीशन एनिमेट करने वाला हूँ। तो इस एनिमेटर को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, एंटर करते हैं और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पोजीशन। ठीक है, ये मेरा पोजीशन एनिमेटर हो चुका है, यहाँ से इसको 1 को हटा देते हैं तो ये मेरा रेडी हो गया है। अब दूसरी चीज, इसके अंदर जो पोजीशन है तो मुझे क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट इसको दे रहा हूँ -180 हम लोग दे देते हैं इसको। तो ये मैंने -180 यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या होगा कि भाई मुझे रेंज सिलेक्टर में जाना है यहाँ सबसे पहले और यहाँ पे हमें एनिमेट जो करना है वो स्टार्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से मुझे एनिमेट करना है। तो मैं स्टार्ट को यहाँ पे की देता हूँ, चला जाता हूँ 20 फ्रेम्स आगे, तो हम 20 फ्रेम आगे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 अप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से मेरा टेक्स्ट यहाँ पे सेटल होगा। थोड़ा और चेंजेस करना है मुझे, वो है कि मैं यहाँ पे एडवांस में जा रहा हूँ और यहाँ पे जो स्मूथनेस का ऑप्शन है उसमें ईज हाई एंड ईज लो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 100 अप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सेटल होगा। अगर इसको प्ले करके मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हो एकदम झपाक करके निकल रहा है, झपाक करके सेटल हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से टेक्स्ट एनिमेशन जनरेट हो रहा है।
अब जब मैंने इजी हाई एंड इजी स्मूथ लो दे दिया है तो यहाँ पे मुझे इसको कर्व एडिट करने की या ग्राफ एडिट करने की जरूरत नहीं लग रही है, तो मैं एज इट इज लीनियर कीज के साथ जाऊंगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी पोजिशन एनिमेटर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ से क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, हमारा मोशन ग्राफिक्स वाला जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लेयर है, उसके ऊपर हम सेम पोजीशन एनिमेटर अप्लाई करने वाले हैं। तो सिलेक्ट करते हैं, जीरो नंबर की फ्रेम के ऊपर मेरा कर्सर रहना चाहिए क्योंकि कीज भी वहीं से अप्लाई करनी है मुझे। तो यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल वी। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस कर लो, देख लो, हाँ भाई देखो सेम जगह पे कीज अप्लाई की है जहां पे हमारी इसकी भी कीज थी, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट कभी कभी भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो भाई जहां से आप कर्सर रखोगे वहीं से वो कीज अप्लाई होगी कॉपी एंड पेस्ट वाले एनिमेटर्स की। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, हम चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे चेंजेस लाने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एनिमेटर के अंदर जो पोजीशन था मेन वो डिफाइन किया था -180। तब इसको हम चेंज कर दे 180 क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड से अंदर आने चाहिए। अब क्या होगा, ये दोनों ऐसे इस हिसाब से कुछ एनिमेटेड हुए दिखेंगे। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब मैं पहला काम ये कर रहा हूँ कि इन दोनों टेक्स्ट लेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इनका लेबल चेंज कर लेता हूँ मैं येलो शेड के अंदर। तो यहां तक अभी इतना काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि भाई ये टेक्स्ट है ना स्टार्ट टू एंड नहीं दिखने चाहिए, मतलब जैसे ही यहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से नहीं, बिल्कुल जहां पे वो स्टेडी होने वाले ना उसी टाइम पे क्या होना है, उनको विजिबल होना है गाइस। तब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको यहाँ पे सेटल कर देते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, एक शेप टूल ले रहा हूं और मैं एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है, उसको सबसे पहले अलाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे सेंटर के अंदर। दूसरा चीज, इसका स्ट्रोक हम यहाँ से हटा देंगे और ओके करते हैं, और मैं फील अप्लाई कर देता हूँ। कोई भी कलर अप्लाई करो क्योंकि इसको हम एज अ सेटमेट यूज करने वाले हैं हमारे दोनों टेक्स्ट लेयर के रिवील प्रोसीजर के लिए, रिवील एनिमेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं मेन टेक्स्ट सेट मैट, ताकि आपको पता चले कि भाई क्या है। तो जो भी काम करते हो इसका लेवल भी मैं चेंज करके येलो कर दूंगा। दूसरा चीज, अब इसका ऑपेसिटी मैं थोड़ा माइनस करता हूँ यहाँ पे इस हिसाब से। अब मुझे करना क्या है भाई कि इनका साइज जो है, तो मैं स्केल यहाँ से ओपन करता हूँ और थोड़ा कम करता हूँ, मुझे नियरेस्ट वे चाहिए। तो हाँ भाई ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है यहाँ से, गुड इनफ। तो होगा क्या, जब ये इसके अंदर एंटर करेगा ना तभी वो दिखना स्टार्ट होगी इस शेप लेयर के अंदर, बिल्कुल वैसा चाहिए। तो अब करना क्या है, हमारे मोशन ग्राफिक्स वाले एक टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे चैनल के अंदर, हम अप्लाई करेंगे सेटमेंट इफेक्ट हमारे टेक्स्ट लेयर के ऊपर। अब इसको अप्लाई करने के अंदर सेटमेंट के अंदर सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो है टेक मैट फ्रॉम द लेयर, कौन से लेयर से लेना है मैट। तो हमें यूज करना है हमारा मेन टेक्स्ट सेटमेंट लेयर एज अ ट्रैक मेट। तो यहाँ पे हम उसको चूज कर लेंगे। तो जैसे ही आप चूज कर लेते हो अब ये उसके अंदर विजिबल रहेगा, बट जैसे ही बाहर जाएगा तो आप देख रहे हो मोशन ग्राफिक्स वाला टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, बट आफ्टर इफेक्ट्स वाला विजिबल है क्योंकि हमने उसी मोशन ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट लेयर के ऊपर सेटमेंट इफेक्ट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो अब सेम चीज क्या होगा, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी फिर से, और क्या करेंगे भाई यहाँ पे आ जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स वाले हमारे टेक्स्ट लेयर के ऊपर, और उसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जब भी वो बाहर रहेंगे वो विजिबल नहीं रहेंगे, दोनों के दोनों अंदर आते हुए विजिबल होंगे। तब करना क्या है भाई, यहाँ से अब इसकी जरूरत नहीं है। अब याद देखो यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी आप पूरी रखो कम रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एज अ अल्फा लेयर अप्लाई कर रहा है ना कि लूमा, अल्फा मैट अप्लाई कर रहा है ना कि लूमा मैट। तो यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वापस उसको बढ़ाओ या ना बढ़ाओ। तो अब हमारा टेक्स्ट एनिमेशन क्या होगा कि यहाँ दिखते हुए ये अंदर की तरफ आएंगे। अब इतना एनिमेशन हमारा टेक्स्ट का जनरेट हो चुका है। थोड़ा इसको क्या करना है, और मुझे इम्पेक्टिव और यू क्या बोलते हैं आई कैचिंग क्रिएट करना है। तो इन दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इनका पोजीशन भी यहाँ पे ओपन करते हैं। हमने पोजीशन एनिमेटर हर एक अल्फाबेट एनिमेशन के लिए यूज किया था, बट हम अब यहाँ पे अभी करेंगे लेयर की पोजीशन को एनिमेट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे की दे देता हूँ दोनों को, सॉरी चले आते जीरो नंबर के फ्रेम के ऊपर सबसे पहले, और यहाँ पे हम की अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से 10 फ्रेम और 30 फ्रेम हम आगे जाएंगे, फिर से क्या करेंगे पोजीशन की अप्लाई कर देते हैं। अब चले जाएंगे आगे यहाँ पे, तो दोनों का वैल्यूज क्या करना है, फिर से हमें चेंजेस करना है यहाँ पे। तो सीधी सीधी बात है कि दोनों में सेम वैल्यूज हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, पोजीशन की वैल्यूज चेंज करनी, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 570 और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ 510, ठीक है। इसको थोड़ा लेके जाते हैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। अब इसको एनिमेट कैसे करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा क्या करेंगे ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब ये एनिमेशन कैसा होगा, आएंगे और देन इट्स गेटिंग सेटल्ड।
धीरे से आए, बट मुझे लग रहा है कि एंड में जैसे मेरे फॉन्ट झपाक करके सेट हो रहे हैं, वैसे इनका पोजीशन भी एकदम झपाक करके सेट होना चाहिए। तो एनिमेशन को थोड़ा उल्टा करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं कि इसको फिर से अपने इंटरेस्ट करके इस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ग्राफ को थोड़ा उल्टा एडिट कर देते हैं। इस बार कुछ यहाँ पे करेंगे, और इसको सिलेक्ट करते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो भाई होगा क्या, स्लोली आएंगे वो लोग एंटर में, और जैसे हमारे अल्फाबेट स्टिक हो रहे हैं ना, वैसे ही हमारा क्या होगा, देखा एकदम अमेजिंगली वो क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, ठपाक करके सेट हो रहा है। सो ये मेरे नेक्स्ट एनिमेशन को क्या करेंगे, एक पुशअप देंगे, या कहते हैं ना एक चार्जअप देंगे, तो वैसा वाला एक सीन जनरेट होगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट एनिमेशन पे जाने से पहले कुछ और चीजें हमें जनरेट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं एक सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं दे दूंगा डाउन, बीजी नाम देता हूँ उसको, और इसका शेड मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ से। ये मेरा जो कलर पैलेट में ब्राइटर डार्कर ऑरेंज है, उसको मैंने यहाँ पे चूज किया है। इसको हम सबसे पहले नीचे लेके जाएंगे। अब वापस में इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अब बीजी ये ऊपर रहने वाला है। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड वाई प्रेस करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सॉलिड को एडिट कर सकते हो, उसका शेड या उसका साइज यहां से सिलेक्ट करेंगे, और उसका जो मैं ब्राइटेस्ट, ये जो डार्केस्ट कलर है, उसको मैं यहां से पिक करने वाला हूँ, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब क्या है, इसके नीचे मेरा ये वाला जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग और थोड़ा और ड्रामेटिक बनाते हैं यही टेक्स्ट एनिमेशन को हमारे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से सबसे पहले पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं कुछ यहाँ से शेप ड्रॉ करने वाला हूँ इस बार। तो यहां से मैंने कुछ ये शेप ड्रॉ करना है, फिर मैं इसको कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो यस इज लुकिंग बेटर। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ये शेप को यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। अब एक बार क्या करते हैं, मूव टूल सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ, हल्का सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस जगह पे, हो गया। अब यहाँ से फिल हटा देना है इसको, तो मैंने यहाँ से फिल हटा दिया, और ओके करते हैं। और इसी शेप लेयर के ऊपर अब मुझे स्ट्रोक अप्लाई करना है, तो मैं स्ट्रोक के लिए जो कलर चूज करने वाला हूँ, एक ये कलर मैंने चूज कर लिया है गाइस। अब स्ट्रोक विड्थ थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट 12 के आसपास। तो ये एक स्ट्रोक यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, हम एनिमेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एनिमेशन के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं ऐड में जाऊंगा, ट्रिम पाथ अप्लाई करने वाला हूँ। तो हमने ट्रिम पाथ यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब ट्रिम पाथ में मुझे क्या करना है, स्टार्ट और एंड पे हमें यहाँ पे की दे देना है, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, 30 फ्रेम्स आगे चलते हैं, यहाँ पे भी हम की अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई स्टार्टिंग में ये क्या होना चाहिए, गायब। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 0 पे की दे देंगे, तो ये हो गया। और यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। सेम चीज जैसे यहाँ पे ये 0 था, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये 100 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा, पर उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको शिफ्ट कर देते थोड़ा, तो 1 2 3 4 5 फ्रेम में इसको शिफ्ट करते हैं, या फिर 6 और 7 फ्रेम शिफ्ट करते हैं इसको। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो भाई ये क्या होगा, यहां तक जा रहा है, तो ये पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा हो गया। और इसकी लास्ट वाली की फ्रेम के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे जब ये पहुंचेगा, तो ये भी क्या होता हो जाएगा, 100 होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये रेडी हो चुका है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, सिलेक्ट करते हैं दोनों को, और ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। सेम तरीका क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और इनको क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ हम कुछ ऐसे लेके जाएंगे। तो अब क्या होगा, इसके साथ साथ मेरा एक स्ट्रोक एनिमेट होगा मेरे टेक्स्ट के रिवील के साथ साथ, बट इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो अब जो पुराना वर्जन यूज करें 20 से पहले, तो आपके पास ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो नॉट एन इश्यू, आप इसी स्ट्रोक के साथ जा सकते हो। बस खाली कर क्या दो, स्ट्रोक का जो यहाँ पे ऑप्शन रहता है, उसको आप क्या कर दो, ये राउंड कैप में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा, जिसे आप कहते हो लाइन रिवील टेक्स्ट एनिमेशन भी आप कहते हो, बट इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से यूज करेंगे। सो 20 वाले वर्जन से, आफ्टर इफेक्ट्स 2020 से क्या हो गया, हमारे पास कुछ और ऑप्शन आए हैं, टेपर और वेव वाले ऑप्शन, जो स्ट्रोक के साथ पहले नहीं थे, बिफोर आफ्टर इफेक्ट्स 2020। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, टेपर को अप्लाई करते हैं, पहले हमारे स्ट्रोक को रिवील कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये एग्जैक्टली होगा क्या। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट लेंथ, आप चाहो तो अभी यहाँ से इसको हटा सकते हो, क्या बोलते हैं, आपके ट्रिम पाथ को आप यहाँ से मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसके बाद आप चेक कर सकते हो। तो मैं सपोज यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब वो अभी डीएक्टिवेट है, जैसे हमने इसको हाइड कर दिया, तो आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट लेंथ यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एक पेपर वाला स्ट्रोक जनरेट हुआ है, स्टार्टिंग में थिकनेस ज्यादा, एंड में कुछ ऐसे होते हुए जा रहे, तो मुझे ये सही लग रहा है। दूसरा चीज, अभी मैं वेव में चला जाता हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेव का अमाउंट कुछ इंक्रीज कर रहा हूँ,
ठीक है ना, तो मुझे एक वेवीनेस मेरे शेप के अंदर मिलेगी यहाँ पे, आप देख रहे हो, तो ये मुझे कुछ ऐसा चाहिए था तो मेरे लिए यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आप स्कोप का विड्थ थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ 18 के आसपास, तो आपको ये बेटर तरीके से कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। प्लस हम बट कैप को क्या कर देंगे यहाँ पे राउंड कैप में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये और भी बेटर रिजल्ट देगा हमें। तो यहाँ तक का हमारा काम रेडी हो चुका है। अब हमारे जो ट्रिम पाथ वाला एनिमेशन था उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे विजिबल कर देंगे, तो भाई ये रेडी हो गया। तो अब ये होगा क्या, कुछ इस हिसाब से एनिमेट होते हुए जाएगा हमारे टेक्स्ट के साथ गाइस। सो अब गाइस हमारा जो ये स्ट्रोक है उसके कुछ डुप्लीकेट कॉपीज जनरेट कर लेते हैं हमारे एनिमेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, और इसी डुप्लीकेट कॉपी का पहले तो हम स्ट्रोक का शेड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मेरा दूसरा शेड में पिक कर रहा हूँ कुछ ये वाला, तो इसको भी हम ओके कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस स्ट्रोक लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और मैं यहाँ पे चूज करता हूँ फ्लिप वर्टिकल, तो ये कुछ इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब इन्हीं दो स्ट्रोक लेयर को फिर से सिलेक्ट करते हैं और डुप्लीकेट करते हैं, तो हमारे दो और स्ट्रोक लेयर जनरेट हो जाएंगे, और उसका रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करते हैं, और यहाँ पे रोटेशन दोनों के लिए अप्लाई कर देंगे हम 180। तो भाई हमारे क्या हो जाएंगे कुछ इस हिसाब से चार स्ट्रोक लेयर इस हिसाब से जनरेट होंगे, तो एक ब्यूटीफुल सा लुक हमारे लिए जनरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे अप बीजी को मतलब पहला जो बैकग्राउंड लेयर है ऊपर वाला उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और उसके साथ साथ हमारा जो ये टोटल फुल टेक्स्ट दिख रहा है दोनों लेयर को मिला के आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स दोनों को भी सेपरेट करना है। हमारे बीजी के साथ साथ उनका मोशन होना चाहिए सेपरेशन का। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, पहला काम जैसे ये खत्म होता है यहीं से मुझे क्या करना है, यहाँ से एक और दो फ्रेम में आगे जा रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे, और क्या करेंगे भाई मैं एक पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मेरा यहाँ से ओपन कर लेता हूँ प्रोपोर्शनल ग्रिड, और मुझे एक भी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट मत रखना अदरवाइज मास्क क्रिएट हो जाएगा उस लेयर के ऊपर, तो लेयर सिलेक्टेड नहीं है। और यहाँ से क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में बिल्कुल सीधी सी, तो ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसका स्ट्रोक वैल्यू मैं यहाँ पे 5 का अप्लाई किया हूँ, तो ये 5 वैल्यू सही है। अब मुझे क्या करना है इसको भी सेम तरीके से ट्रिम पाथ अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ कट लाइन, जो हमारे मेन बीजी को मतलब ऊपर वाले बीजी को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली है। एक फर्स्ट एक्शन हम क्रिएट करेंगे हमारे सेकेंडरी एनिमेशन के लिए। तो अब यहाँ जिसे आप कह सकते हो स्प्लिट ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हो या वाइट ट्रांजिशन नाम भी दे सकते हो। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो इसको ड्रैग करके मेरे अप वाले बीजी लेयर के ऊपर लेके जाता हूँ। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है ट्रिम पाथ अप्लाई करना है, तो सिंपल तरीके से फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्ट्रोक लेयर के अंदर जो हमें ट्रिम पाथ अप्लाई किया हो इसको यहाँ से क्या कर लेंगे कॉपी कर लेंगे हम, और जहां पे मेरा कर्सर है वहीं पे मुझे अप्लाई करना है, तो दैट इज गुड। मतलब जहां से कीज आपको अप्लाई करनी कर्सर को पहले से ही वहीं सेटल कर लो। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हमारे कट लाइन वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे हम लोग, तो होगा क्या भाई पहले इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैं मूव टूल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ गुड इनफ, तो यहाँ से आपको स्ट्रोक जाते हुए दिखेगा अगर इसको हटा दे, तो देख रहे बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा स्ट्रोक इसको कट करते हुए जाएगा। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस करना है कि इसके अंदर भी थोड़ा हल्का सा टेपर हमें अप्लाई करना है, तो कंटेंट के अंदर चलते हैं शेप में जाएंगे स्ट्रोक को ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं टेपर की वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ 20 के आसपास, और यहाँ पे जो हमारा वेव का वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कुछ 7 के आसपास, तो एक हल्का सा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा उसका, भले वो निग्लिजिबल है इतना आई विजिबल नहीं है, बट यह हमारे लिए वो काम बेटर तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब जैसे ये लेयर यहाँ से कट होगा मतलब ये शेप यहाँ से पास आउट हो रहा है, उसी टाइम पे क्या होना चाहिए हमारा जो अप वाला बीजी वो कट होना स्टार्ट होना चाहिए। तब उसके लिए क्या करना है, उसको कट करने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया ना गाइस कि इसके क्रिएट करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हमारा जो ये बीजी वाला टेक्स्ट है और हमारा जो ये टेक्स्ट लेयर है दोनों के दोनों, उन तीनों को हम सिलेक्ट करते हुए प्रीकॉम्प कर लें, फिर उस प्रीकॉम्प को डुप्लीकेट करें और मास्क के थ्रू दोनों लेयर को क्या करेंगे हम सेपरेट करेंगे कि भाई यहां से मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं तो भाई इतना जो मेरा लेयर है यहां से यहां तक का एक अलग हो जाएगा और यहां से ऊपर का एक अलग हो जाएगा, वैसे दो मेरे टेक्स्ट लेयर प्रीकॉम्प में डिवाइड हो जाएंगे। बट बेटर ऑप्शन हम क्रिएट, क्योंकि उसको प्रीकॉम्प करने के बाद सपोज आपको टेक्स्ट के शेड में चेंज करना है तो अलग से फील इफेक्ट अप्लाई करो या फिर कुछ और चेंजेस अप्लाई करने हैं तो प्रीकॉम्प में बार बार आपको जंप करना पड़ेगा जो भी आप प्रीकॉम्प क्रिएट करोगे, रादर देन वी विल यूज सम स्मार्ट वे। तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं वो है हमारा
ट्रांजिशन इफेक्ट जिसे हम एज अ वाइप इफेक्ट यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा बीजी लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड रहना चाहिए। तीसरा भी एक तरीका है गाइस, आप पहले से ही जो हमारे अप वाला लेयर है उसको दो पार्ट में मतलब दो शेप लेयर क्रिएट करते और उसके थ्रू एक कंबाइन एक लेयर दिखाते तो भी आपका काम हो सकता था। देयर आर मल्टीपल वेज, तो सोचिएगा जो आज हम यूज करें उससे बेटर कोई तरीका अगर आपके दिमाग में आता है तो पक्का कमेंट में मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया है, हम चलते हैं इफेक्ट के अंदर यहाँ पे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ट्रांजिशन में और हम इसके ऊपर अप्लाई करने हैं रेडियल वाइप इफेक्ट। तो ये इफेक्ट हमने अप्लाई कर दिया है। अब जो बिगिनर्स हैं जिनको सपोज आइडिया नहीं है कैसे काम करता है, तो यहाँ पे रेडियल वाइप के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ट्रांजिशन कंप्लीशन। तो जैसे आप इसको मूव करोगे तो देखो क्या हो रहा है, आपका जो अब बीजी वाला लेयर है वो वाइप आउट हो रहा है और नीचे वाला लेयर हमारे लिए विजिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो इवन मास्क के थ्रू भी आप ये जनरेट कर सकते हो गाइस, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, अमेजिंग, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये होगा, तो पहले तो हमें कहाँ से ओपन करना है, इसको यहाँ से ओपन करना है। तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे एंगल चेंज करना पड़ेगा इसका 90 डिग्री। तो जो हमारा ट्रांजिशन या वाइप का जो एंगल कहाँ से, ट्रांजिशन वाइप का एंगल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 90 डिग्री से। तो ये पहला काम हो चुका है। अब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मुझे दिमाग में है कि कितना होना चाहिए, आपको ट्रायल एंड एरर बेस पे सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 का वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों तरफ खुलना चाहिए। नो डाउट जैसे हमारा मुंह है तो हमारा नीचे का जो जबड़ा रहता है वो ज्यादा मुंह करता है कंपेयर टू अपर, बराबर है। तो वही चीज है, पर यहाँ पे हमें दोनों तरफ एक सरी का मूवमेंट करना है, सेंटर से दोनों तरफ। तो उसके लिए एक स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, मैं यहाँ से क्या करूँ, इसी रेडियल वाइप इफेक्ट को हमारे अब बीजी वाले लेयर के ऊपर डुप्लीकेट करके फिर से अप्लाई करता हूँ। बट यहाँ पे एक हल्का सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पे वाइप का जो डिरेक्शन था वो क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले रेडियल वाइप इफेक्ट के अंदर वाइप का डिरेक्शन यहाँ पे ओपन करके क्या कर देंगे, काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब ये क्या हो गया, दोनों तरफ ओपन होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमें एनिमेट करनी है वो है हमारा वाइप सेंटर। तो भाई क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो हाँ भाई देखो इतना ओपन हुआ, बट ये पहुंचने वाला एंड तक मतलब पूरा ओपन होगा, तो वो किससे होगा, वाइप सेंटर के थ्रू। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 0 अप्लाई कर दूं तो आप देखो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड पे। तो बिल्कुल वही एनिमेशन हमको क्या करने, जनरेट करने। तो मैं यहाँ पे 0 अप्लाई कर देता, गुड इनफ। यहाँ ऊपर वाले पे भी वाइप सेंटर का एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब देखो ये कुछ इस हिसाब से ओपन होगा, सो दैट्स अमेजिंग, राइट। तो अब करना क्या है, पहले तो हमें रेडियल वाइप के दोनों इफेक्ट के अंदर यहाँ पे की अप्लाई करना है, कौन सी प्रॉपर्टी, इसके ऊपर ट्रांजिशन कंप्लीशन वाली प्रॉपर्टी के ऊपर और दूसरा वाइप सेंटर की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हमने कीज अप्लाई कर दी है, अब क्या करेंगे, अब पीजी वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यू प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीज सारी अप्लाई होती हुई दिख रही है, अब ये ओपन कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कट लाइन है उसको भी हम यहाँ पे यू प्रेस करके देख लेते हैं, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे खत्म हो रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएंगे, यहीं पे हमें क्या करना है, इसको ओपन कर देना है प्रॉपर तरीके से, पूरा का पूरा वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो यहीं से हमें क्या करना है, ये भी पूरा खुल जाना चाहिए उसी टाइम पे, बट उससे 1, 2 और 3 फ्रेम में आगे जाऊंगा और वापस क्या करेंगे, इन चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर की अप्लाई कर देंगे हमारे बीजी लेयर के ऊपर। अब यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो स्टार्टिंग पे चले आएंगे और जो वाइप सेंटर का वैल्यू वो क्या कर देंगे, फिर से 960 बाय डिफॉल्ट जो है वही करेंगे, यहाँ पे भी 960 कर दूंगा मैं, गुड इनफ। और हमारा जो कंप्लीशन का वैल्यू वो क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हम 0 अप्लाई कर देंगे। अब इन सारे की इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर और यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे गाइस, ठीक है। अब इसको भी मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, पीछे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से, ओके, गुड इनफ। अब होगा क्या कि भाई ये यहाँ से जाएगा, जैसे जैसे मेरा स्ट्रोक क्रॉस करते हुए जा रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, ये मेरे बीजी को स्प्लिट करते हुए ओपन कर रहा है दोनों तरफ से रोटेशन में रेडियल वाइप इफेक्ट के साथ। तो ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ओपन हो जाएगा, बट जैसे ये ओपन, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं किए मैंने, यस यहाँ पे मुझे क्या करना है, 960 वाइप सेंटर का अप्लाई करना रह गया, तो उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 960 अप्लाई कर देता हूँ, सो दैट इज गुड इनफ। तो अब क्या होगा, भी दोनों के दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हुए जाएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे दोनों, ओके लेट्स सेटल इट ओवर देयर, गुड, यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वैल्यू दोनों का क्या हो जाना चाहिए था, 0। तो ये भी 0 पे जाएगा और ये भी क्या चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, ओके गुड इनफ। तो भाई हाँ अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा मेरा, सही, यस इट्स गोइंग गुड इनफ। तो ये भाई सही हो चुका है, एक बार ग्राफ एडिट चेक कर लेते हैं कि कुछ चेंजेस तो नहीं है उसके अंदर, यस इट इज प्रॉपर। तो ये भी ओपन हो गया, बट जैसे ये ओपन होता है मेरे दोनों टैक्स क्या करने चाहिए, उसके साथ मूव करने चाहिए। तब दिक्कत क्या है गाइस, कि हमने ऑलरेडी दोनों टैक्स लेयर का पोजीशन प्रॉपर्टी भी एनिमेट किया है, ठीक है ना, तो हम एंकर पॉइंट को सेट नहीं कर सकते हैं।
तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो एनिमेशन कीज अप्लाई करनी पड़ेगी, एक आफ्टर दोनों टेक्स्ट लेयर की पोजीशन चेंज करना प्लस रोटेशन चेंज करना, विच इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग। तो एक स्मार्ट तरीका यूज करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं लेयर पैनल के अंदर सॉरी, और हम यहाँ पे एक न्यू नल जनरेट कर लेते हैं। नल ऑब्जेक्ट मैंने जनरेट किया, इसको मैं लेके रख दूंगा मेरे मोशन ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे मोशन ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट को नल वन के साथ हम यहाँ पे पेरेंट कर देंगे। अब इसका एक मैं डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ नल वन का, उसको आफ्टर इफेक्ट्स वाले टेक्स्ट लेयर के ऊपर रखता हूँ और उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ नल टू कर देते हम इसको, और मैं क्या करूंगा हमारे आफ्टर इफेक्ट्स वाले टेक्स्ट लेयर को उसके साथ यहाँ पे पेरेंट कर देंगे। बट अब पहले पेरेंट में हटा देता हूं, यहां से करना क्या है मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो मैं जो नल वन है उसका यहाँ पे पोजीशन ओपन कर रहा हूं और उसको मूव करेंगे शिफ्ट प्लेस करके रखना गाइस, और एग्जैक्टली कहाँ पे लाके रखना है यहाँ पे लाके उसको सेटल करना है। सेम चीज नल टू को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यस हमने नल टू को सिलेक्ट कर लिया, उसको भी क्या करेंगे यहाँ से मूव करेंगे शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली लाके सेटल कर देंगे। तो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, गुड इनफ। अब नल को हाइड कर देते हैं, नल दिखता नहीं है बट दिखता बहुत है, मतलब वो आपके रेंडर में भले ही ना दिखे, कंपोजिशन में भी भले ना दिखे, बट यूजफुल बहुत है, वो अपना काम बिना देखे भी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो दैट इज अमेजिंग गाइस, मिस्टर इंडिया है अपना, ठीक है, जैसे हमारा मूवी था फेमस मिस्टर इंडिया, वैसे ही हमारा अमेजिंग आफ्टर इफेक्ट्स का मिस्टर इंडिया है जिसे हम नल कहते हैं। तो अब करना क्या है भाई, जैसे ये गए ठीक है ना, ये ओपन होना स्टार्ट होता है, वैसे ये दोनों टेक्स्ट लेयर भी क्या होने चाहिए शिफ्ट होने चाहिए उसके साथ साथ। तो अभी हमें पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा एनिमेटेड प्रॉपर्टी। अब चले जाएंगे इसी वाले लेयर के ऊपर, यहाँ पे अब क्या करना है भाई, यहाँ पे आएंगे हमारे दोनों नल के पास और इनका रोटेशन यहाँ पे ओपन कर देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे की दे देते हैं, और वापस इस वाली की फ्रेम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे दोनों की रोटेशन प्रॉपर्टी के ऊपर की दे देंगे। अब रोटेशन दोनों अलग अलग अप्लाई होने वाले हैं, तो जो मेरा आफ्टर इफेक्ट्स वाला टेक्स्ट है वो क्या होगा माइनस में रोटेट होते हुए अब जाएगा। ओके सॉरी, हमने अभी तक पेरेंट नहीं डाला था गाइस, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे जीरो नंबर की फ्रेम के ऊपर, निकाल दिया था ना हमने पेरेंट, तो वापस इसको नल टू के साथ और हमारे नीचे वाले टेक्स्ट लेयर को मतलब मोशन ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट लेयर को क्या करेंगे नल वन के साथ हमने यहाँ से पेरेंट कर दिया है। अब रोटेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कौन सी वाली की फ्रेम पे अप्लाई करेंगे, इस वाली की फ्रेम के ऊपर रोटेशन वैल्यू चेंज करेंगे, तो यहाँ पे रोटेशन चेंज करना है। अब मेन टेंशन यहाँ पे आ गया, सारा टेक्स्ट तो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रैक मैच जनरेट करके रखा था उसकी रिवील स्टार्टिंग में जब वो रिवील हो रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट वे पे यूज करेंगे ट्रैकमेट का स्केल यहाँ पे ओपन करते हैं बराबर, उसको कीज कैसे देंगे गाइस, तो यहाँ पर जब ये आ रहा है ना तो उसको स्केल वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे चले जाते हैं स्टार्टिंग में, वहां पे भी स्केल की वैल्यू पे की अप्लाई कर देते हैं और चले जाएंगे इस वाली की फ्रेम के ऊपर, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसका जो स्केल है बढ़ाते हुए जाऊंगा, विजिबिलिटी आप ऑन कर लो ताकि आपको समझ में आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्केल यहाँ पे कुछ हिसाब से मैंने बढ़ा दिया है, अब वापस इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे इन की इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मैं क्या अप्लाई कर दूंगा टॉगल होल्ड की फ्रेम, मतलब ये एनिमेट नहीं होता रहेगा, यहाँ पे उसका साइज एज इट इज रहेगा। अगर विजिबिलिटी आपको दिखाऊं, अब जब तक इस की फ्रेम के ऊपर नहीं पहुंचूंगा वो अपना साइज चेंज नहीं करेगा। तो स्मार्ट वे टू जनरेट दिस इफेक्ट, ओके गुड इनफ। तो हमारे लिए काम यहाँ पे हो चुका है, आप चाहिए तो क्या करोगे एक एक दो तीन चार फ्रेम आगे चले जाओ ताकि क्या वो हमारे इफेक्ट को यहाँ पे मतलब ये ना करे, तो यहाँ पे इसकी को क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे चार फ्रेम आगे, तो ये भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब दोनों का रोटेशन अगर यहाँ पे हो रहा है तो भाई देख लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं यहाँ पे। अब कहाँ तक लेके जाना है इसका रोटेशन, तो बहुत ज्यादा चला गया इसका रोटेशन, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं चाहिए हमें, एकदम नजदीक में चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, -6 की वैल्यू अप्लाई करते हैं, कम हो गया तो लेट्स अप्लाई -7, ओके दैट इज गुड इनफ, बहुत ही बेटर तरीके से सेट हो रहा है, सही है ना। अगर मैं पोजीशन को शिफ्ट करता और इतना आसानी से बेटर तरीके से सेट करने की कोशिश करता, रोटेशन और पोजीशन साथ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये बेटर है गाइस। तो सेम चीज नल वन का भी रोटेशन हमारे पास यहाँ पे ओपन करना है हमें, कहा गया भाई वापस नल वन, यस प्लेस अगेन आर, और यहाँ पे भी क्या करें, अब यहाँ पे +7 सीधा सीधा फंडा है गाइस, ठीक है ना। तो देखो दोनों बेटर तरीके से सेट हो गए, वाओ अमेजिंग गाइस। तो अब क्या करेंगे इन चीज को भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और हमारे ग्राफ को क्या कर देंगे कुछ इस हिसाब से हम एनिमेट करेंगे इसको भी, और सेम चीज यहाँ पे भी की इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी क्या करेंगे कुछ इस हिसाब से हम लोग शिफ्ट कर देंगे। सो दैट इज गुड इनफ। तो अब होगा क्या, टाइमिंग देख लो प्रॉपर तरीके से, जैसे ही ये यहाँ से ओपन होना स्टार्ट होगा वैसे ही क्या हो रहा है हमारा टैक्सी साथ में ओपन हो रहा है गाइस।
तो अब चलते हैं गाइस हमारे फाइनल अट्रैक्शन की तरफ, जो है हमारा मेन इफेक्ट या मेन टेक्स्ट, जिसका नाम है या जो वर्ड है वो है ट्यूटोरियल। सो आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, शेड में यही चूज कर रहा हूँ जो यहाँ पे है, द ब्राइटर शेड ऑफ ओवर हियर। और सबसे पहले तो इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ हमारे अप बीजी और डाउन बीजी के लेयर के बिल्कुल बीच में। उसके बाद सबसे पहले इसको अलाइन करते हैं यहाँ पे कंपोजिशन के सेंटर के अंदर, तो कुछ इस हिसाब से ये दिखने वाला है। अब क्या करना है, इसको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, हम जाएंगे पर्सपेक्टिव के अंदर और ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। अब ड्रॉप शेडो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे लेयर स्टाइल में जाके भी आप ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ड्रॉप शेडो का वैल्यू मैं मतलब जो ओपेसिटी वो 100% करता हूँ, डिस्टेंस थोड़ा मैं यहाँ पे इसका बढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट कुछ ओके 16 के आसपास, सॉफ्टनेस में उसका कुछ बढ़ा रहा हूँ 5 के आसपास। और अब इसका जो शेड है वो मुझे चूज करना है, तो यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ बिल्कुल इसका ऑपोजिट शेड ये वाला, और यहाँ पे कुछ जाके मैं उसका डार्केस्ट शेड कलर कुछ चूज करता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट, थोड़ा और डार्क शेड बेटर रहेगा, यस दैट इज लुक बेटर। तो मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे ये विजिबल हो चुका है, बट इसका अभी एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। तो कहाँ से होगा, तो यहाँ पे जो हमारा बीजी वाला लेयर है उसका जो हमने किया है वाइट ट्रांजिशन का एनिमेशन, उसकी कीज को ओपन करते हैं यू प्रेस करके हुए, तो यहाँ पे कुछ है, तो ऑलमोस्ट यहीं से उसका भी एनिमेशन स्टार्ट होगा जहां से हमारा बैकग्राउंड लेयर वाइप आउट हो रहा है वाइट ट्रांजिशन के इफेक्ट के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसको भी की दे देंगे, ट्यूटोरियल का जो टेक्स्ट लेयर है उसका हम पोजिशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, उसको यहाँ पे की दे देते हैं, चलते हैं हमारे वाइट ट्रांजिशन के लास्ट की के ऊपर, और यहाँ पे भी हमारे टेक्स्ट लेयर का पोजिशन का की अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे पोजिशन में हल्का सा शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, ओके गुड इनफ। और स्टार्टिंग में जो इसका पोजिशन रहेगा उसको थोड़ा हम बाहर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं कुछ इस हिसाब से। अब क्या करेंगे, और इसको थोड़ा पीछे ले लेंगे गाइस ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे, गुड इनफ। अब इनको सिलेक्ट करते हैं, लिनियर की इसको F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे जाएंगे और ग्राफ को क्या कर देंगे कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देते हैं गाइस, सो दैट इज ऑल्सो लुक बेटर। अब थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बनाते हैं, तरीका बस इतना है आपको करना क्या, एक एडजस्टमेंट लेयर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे और उसको सबसे टॉप के ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, मैं चलता हूँ आई हैव टू जंप इनटू द नॉइज, हाँ नॉइज में चलते हैं, यहाँ पे मैं नॉइज अप्लाई करता हूँ, एक अच्छा खासा थोड़ा रियलिस्टिक एंड थोड़ा टेक्सचर वाला लुक हमें देगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कलर नॉइज को हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ यहाँ से, और नॉइज का वैल्यूज ऑलमोस्ट 3 के आसपास अप्लाई कर देता हूँ गाइस। सो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स या टेक्स्ट एनिमेशन इंट्रो रेडी हो चुका है विथ वाइट ट्रांजिशन, जो हमने मोशन ग्राफिक ट्रांजिशन रेडी किया उसके साथ। इसी ट्रांजिशन को आप अपने रियल लाइफ वीडियो के ऊपर, सोशल मीडिया वीडियो के ऊपर, व्लॉग्स के ऊपर, चैनल के वीडियो के ऊपर भी आराम से, इवन इमेजेस के ट्रांजिशन के लिए भी आराम से इस मोशन ग्राफिक ट्रांजिशन को आप यूज कर सकते हो गाइज। सो अगर आपको ये टेक्स्ट एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल पसंद आया है, नई चीजें सीखने को मिली है, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, प्लस बेल आइकन पे तो जरूर क्लिक कर लेना सभी लोग, चाहे नए हो या पुराने, ताकि नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहे गाइस। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ नई नई चीजें सीख पाए और अपने आप को अपग्रेड कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।